Hey, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं आज इतने अरसे के बाद लाइफ आई, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे इतने लोगों का प्यार, इतने लोगों की दुआएं मिली कि आई कान इवन एक्सप्रेस कि आप लोग किसी के अच्छे में हो ना हो, आप लोग जब किसी के बुरे में होते हो ना, मतलब जब किसी के बुरे वक्त में आप लोग साथ देते हो, दुआएं करते हो, लाइक लिटरली नॉट बीइंग एन आर्टिस्ट, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, एक सीरियसली दिल इतना बड़ा हो जाता है इंसान का। एंड आई एम ग्लैड दैट आई हैव लाइक ऑल ऑफ यू इन माय पेज। आई एम ग्लैड। But yeah, it's getting better. Recover हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। और I know काफ़ी लोगों ने ये concern भी show किया कि किसी ने मारा तो नहीं है आपको, किसी ने कुछ किया तो नहीं। अगर कोई मारता या कोई कुछ करता, I would never upload my picture। मैं कभी भी मैं अपनी पिक्चर ना लगाती, सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई मारेगा तो मैं कैसे। मैंने सिर्फ इसलिए लगाई क्योंकि यू गाइज नो दैट कि मेरा 4-5 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, और उस एक्सीडेंट के बाद भी मैं बहुत पॉजिटिव रही थी ज़िंदगी में। मैंने कोई अल्लाह से शिकायत नहीं की थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं की थी जिससे अल्लाह मुझसे नाराज़ हो। मैं अभी भी ये लफ्ज़ कह रही हूँ कि अल्लाह ने अगर मुझे इस चीज़ के लिए चुना, या इस वक्त के लिए चुना, या जो अल्लाह ने, जो भी होते अल्लाह की प्लानिंग्स की वजह से होता है ना, मतलब क्या पता मेरे गुनाह मैंने जो अनजाने में किए या जान के किए वो शायद धोने होंगे अल्लाह मियाँ ने। तो ये कि हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए इंसान को। सीरियसली आप लोगों ने दिल जीता मेरा इस बार, क्योंकि आप लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे, इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतनी दुआएं की आप लोगों ने। आई स्वेयर टू गॉड आई वाज सो हैप्पी। यू गाइज मेड मी कम हियर लाइव टू टॉक अबाउट दिस थिंग। बट सीरियसली कोई मार नहीं सकता, कोई भी मार नहीं सकता। बस ये कि अल्लाह पाक है साथ, आप लोग हो साथ, माँ बाप है साथ। और मैं अम्मी अबू के घर आई हूँ, अपने अम्मी अबू के ही घर पे गिरी। अभी उस जगह पे जाने की हिम्मत नहीं हो रही, वरना दिखाती कि कहाँ से मेरा पाँव फंसा और कहाँ से मैं गिरी। लव फ्रॉम टर्की, थैंक यू सो मच। आई लव टर्की, आई वुड लव टू कम टर्की अगेन। आई केम थ्राइस, वेलकम अगेन, डेफिनेटली। बस आप लोग दुआ कीजिए कि ये बस कार ना छोड़े। बट इट्स गेटिंग बेटर एज यू कैन सी दैट, लाइक स्क्रैचेस भी आए थे, बट ये कि जो मेजर लाइक यू नो यहाँ ज़ोर से हिट हुआ था और गर्दन पे, पर ये कि आई एम गेटिंग बेटर। एंड लव यू गाइज, लव यू। आप लोग जितना लोग बुरा समझते हैं उतने बुरे आप लोग हैं नहीं। आप लोग प्यार देते हैं, आप लोग प्यार करते हैं, यार ये तो आई एम नॉट कोजी। हम प्रॉपर फेस स्वेल हुआ हुआ है, इसलिए आई कांट डू एनीथिंग। प्रॉपर स्वेलिंग हुई हुई है रो रो के, देखना। बस इंशाल्लाह इंशाल्लाह लमिया इस चीज़ से भी बाहर निकाल दें, तो बस फिर मैं एक अच्छा सा चेहरा आप लोग को, अपना फ्रेश चेहरा आप लोग को दिखाऊंगी। बस किसी ने लिखा हम कोजी, एम आई कोजी? ये तो चोट लगी हुई है अभी, 12 कोजी जो वाला कोजी, टेल मी प्लीज।
आमिर खान में नेट भी नहीं चल रहा है. नो नो यू आर ब्यूटीफुल. देखोगे कि परेशान ना हो प्लीज. यू लुक थैंक यू सो मच. नहीं मुझे किसी ने भी नहीं लिखा कि यू लुक कोजी विदाउट मेकअप. डू आई लुक कोजी विदाउट मेकअप? प्लीज टेल मी. इट मीन्स लॉट टू मी. लाइक आप लोग का एक एक कॉमेंट भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है. लाइक आप लोगों को लगता है कि मैं भूल जाती हूँ. मैं कभी नहीं भूलती. यू आर नॉट कोजी, यू आर जस्ट लव. और थैंक यू सो मच. कैसी लगी चोट आपको? यार मैं सीढ़ियों से आ रही थी. मैं वहाँ पर बहुत डार्क हो रहा है उस एरिया में, वरना मैं आपको दिखाती. वहाँ पर स्टेयर्स पे मेरा कारपेट रिप्ड हुआ है, उस पर मेरा पाँव फंसा और मैं मुंह के बल गिरी हूँ. और लिटरली 2 सेकंड के लिए मुझे मैं मेरे आगे ब्लैकआउट हो गया. मुझे कुछ समझ नहीं आया. मैं गिरी हूँ जिस वक्त, उसके बाद मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे चोटें क्या लगी हैं. मैं बिल्कुल नम हो गई और मेरी एक एकदम से चीख निकली. तो मेरी छोटी बहन जो बख्तावर है वो भागती हुई गई अब्बू अम्मी को बुलाने के लिए. अम्मी अब्बू ने आया, उठाया मुझे, बेड पे लेटा. और जब मैंने शीशा देखा फिर मैंने चीख मारी. लिटरली उससे पहले दर्द था, लाइक सर पे जो हिट हुआ मेरे, यहाँ पर हिट हुआ, दर्द था मेरे. लेकिन जब मैंने जब शीशा देखा और ये पूरा ब्लड यहाँ 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 सारा, और मैंने कहा शिट. क्योंकि मेरी आज आसिम जोफा की शूट थी, वो कल या परसों पे शिफ्ट हुई है. क्योंकि मैंने मेकअप करके देखा तो वो कवर हो रहा था. आई पुट दैट पिक्चर एज वेल. यू वोंट इवन इमेजिन कि मुझे चोट लगी हुई है. सीरियसली बेटे की वुड लव टू सी दैट. कि बट ये कि हर हाल में खुश रहना चाहिए. मैंने आप लोगों से ये क्यों शेयर किया? अदरवाइज मुझे नहीं शेयर करना चाहिए था. सबके अपने परसेप्शन होते हैं, अपनी अपनी थाट होती है. ओ इसको किसी ने मारा होगा, किसी ने इसको सा कुछ सुन किया होगा, ये सीरियसली नहीं गिरी, ये वो. मेरे काफ़ी अपने दोस्त उन लोगों ने भी यही पूछा. बट नहीं, कोई नहीं मारता. अब तो बड़ी भी हो गई हूँ मैं, हमने 30s, तो अब कौन मारेगा. देखिए बस ये दुआ करे. या आई एम इन पाकिस्तान. मैं मम्मी अबू के पास काफ़ी टाइम से आ गई थी, क्योंकि मेरी जो एक्सीडेंट वाली टांग है वहाँ बहुत दर्द हो रहा था मुझे. और COVID-19 की वजह से वहाँ पर कोई भी, और मेरी टांग की कोई हिस्ट्री जानता नहीं था, तो इसलिए आई हैड टू कम लाइक यू नो अर्लियर. तो बस ये कि दवाइयाँ चल रही हैं. लव यू ऑल. बस मैंने कहा मैं 2 मिनट लाइफ आके आप लोग को एटलीस्ट ये क्लियर कर दूँ कि मैं गिरी हूँ और आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह. जो जो वर्ड थे मेरे लिए, जो जेन्युइनली वर्ड थे मेरे लिए. बाकी जो बुरा छोटा मोटा बुरा लिख देते हैं उनको मैं बुरा नहीं कहूँगी. उनकी अपनी सोच है, अल्लाह उन्हें हिदायत दे. दैट्स ऑल आई कैन से फॉर देम. बट आप लोग सब बहुत अच्छे हो, बहुत प्यार देते हो, बहुत दुआएं करते हो. और लव यू. आई होप आई एम नॉट कोजी विदाउट मेकअप. या जस्ट क्लेम यू लास्ट टाइम दैट आई एम नॉट. Otherwise, I will never come without makeup in front of you guys. Otherwise, because you're gonna say this. I love you too. I love you all. You guys are like after my like my mom and dad, my sisters, my after this family. You guys are my family. You're my Insta family. So I need to take care of you guys as well. I don't wear such clothes. I don't go any such places. I don't do such things because aap log ko convince karna hai, aap log ko razi karna hai Allah ke baad. Because aap log hi maine rakhte ho na.
know you're not Koji, please ignore it. I thank you so much. कर बुरा नहीं कह रहा आप इतनी सैड क्यों सैड नहीं हूँ मेरे जॉब पे लगा था ना मैं देखा पता नहीं ऊपर ही है तुम ले जाओ बेटा मेरे जॉब पे लगा था और जॉब की वजह से ना मेरा लाइक एक प्रॉपर मुंह खुल नहीं रहा सो या अभी वेट लॉस टिप ना पूछे मैं बिल्कुल बताऊंगी नेक्स्ट अच्छे से मूड में आप लोग को पर अभी मेरा लाइव आने का सिर्फ मकसद ये था कि जो जो वर्डेड थे जो जो पूछना चाह रहे थे कि हाँ मैं राइट ना उनके लिए मैं सिर्फ लाइव आई सो गाइस Zunaira Javed, thank you so so much. Means a lot to me. हम भूल जाते हैं कि हमने कब्र में क्या लेकर जाना है सिर्फ इंसानियत लेकर जानी है पैसा शोहरत आप लोग भी अपना ख्याल रखें मैं बहुत कमजोर हूँ मैं कहीं भी ठुड्डा खाती रहती हूँ कहीं भी गिर जाती हूँ लेकिन ये थोड़ा मेजर हो गया इस बार मैं सिर्फ मोटिवेट करने आई हूँ आप लोग को लॉट्स ऑफ लव लॉट्स ऑफ प्रेयर्स मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा अल्लाह बस जल्दी से इस चीज इस दर्द से निकाले थैंक यू सो मच लव यू बाय मे बी हुआ तो शाम को फिर आऊँगी लाइव आप लोग के लिए ओके Thank you.